नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल लीना किचन रेसिपी एंड ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। तो नवरात्र व्रत शुरू हो चुके जो 26 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर तक चलेंगे। नवरात्र व्रत में व्रत अगर आप करते हैं 9 दिनों तक एक समय अन्न खाते हैं तो वो व्रत कहा जाता है, और उसमें फलाहार नहीं किया जाता है, आप एक समय भोजन कर सकते हैं। लेकिन उपवास वो होता है जो एक समय फलाहार किया जाता है और जिसमें नमक का प्रयोग भी यहाँ तक नहीं किया जाता है। तो उपवास के दौरान मूली का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मूली की जो तासीर होती है वो होती है ठंडी, और मूली को तामसिक सब्जियों में गिना जाता है। उसमें स्मेल बहुत ज़्यादा होती है, जिन सब्जियों में सबसे ज़्यादा स्मेल होती है जैसे गोभी है, शलजम, बैंगन भी गर्म होता है लेकिन तामसिक सब्जियों में आता है। नवरात्र व्रत और उपवास में मूली नहीं खा सकते, क्योंकि यह तामसिक सब्जी है और इसकी तासीर ठंडी होती है। तो ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें।